पाकिस्तान देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान, मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान, मुर्दाबाद गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान, मुर्दाबाद देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। आज हम भारत माता के लाल वो सोल्जर जो शहीद हुए हैं उनकी कुर्बानी को शत शत यूथ कांग्रेस नमन करता है और ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को शक्ति दें कि वो धैर्य रखें और इस कठिन समय से वो निकल जाएं, और उनको कहना चाहते हैं पूरा भारत देश उनके साथ है। साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं जो कायराना हमला पाकिस्तान और जैश ए मोहम्मद ने मिलकर किया है उसका कड़ा जवाब मिलेगा। हम अपील करते हैं भारत सरकार से कि जल्द से जल्द एक करारा जवाब इनको दिया जाए, एक सख्त कदम इनके खिलाफ उठाया जाए। और साथ ही में जो स्पीच जो स्टेटमेंट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दी थी कि सबूत मांगने की बात कर रहे थे पुलवामा अटैक की, तो इसमें हम एक चीज बताना चाहते हैं कि इमरान खान ने सबूत खुद का दे दिया है कि वो भी एक घिसे पिटे पुराने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं जो ISI और पाकिस्तान मिलिट्री के इशारों में नाचने वाले व्यक्ति हैं। भारत माता की जय। साथियों, साथ में हम अपने यूथ से ये कहना चाहते हैं, हमारे देश का यूथ और स्पेशली जम्मू कश्मीर का यूथ, कि इस मुश्किल समय में कम्युनल हार्मनी मेंटेन करके रखें, क्योंकि पाकिस्तान हो या कोई मिलिटेंट संगठन हो वो जब हमला करता है तो दहशतगर्दी फैलाने के साथ साथ उनका ये एक मकसद होता है कि हमारे देश में जो इंटरनल इंटीग्रिटी है वो टूटे, जो भाईचारा है वो खराब हो। और मैं समझता हूँ जो लोग अभी कम्युनल राइट्स करने की कोशिश कर रहे हैं वो उनके राह में पाकिस्तान के झंडे में चलने के बराबर है, इसलिए हमें कम्युनल हार्मनी बचानी है, मेंटेन रखनी है, हम अपील करते हैं। और साथ में हम जितने भी कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं जो दूसरे प्रदेशों में हैं उनके ऊपर अटैक ना हो इसकी भी अपील करते हैं, और जम्मू कश्मीर पुलिस से अपील करते हैं जो जम्मू का युवा जिसका कोई जो बेकसूर है, जिसने कुछ निर्दोष है और जिसने कुछ नहीं किया कर्फ्यू में, उसको फंसाने की कोशिश ना की जाए। मान लीजिए अगर वो कांग्रेस का वर्कर है और उसको फंसाने की कोशिश करेंगे, या कोई बेकसूर है जिसने कुछ नहीं किया उसको फंसाने की कोशिश करेंगे, तो यूथ कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी।